अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक, वेलकम रादर नॉट बैक टू एनालिसिस। मेरे साथ हमारे दोस्त, मेरे साथी रजा भी हमारे साथ है आज। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तो पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन क्या पता है अभी हमें कब सुकून और कब चैन मिलेगा, ये हमें नहीं पता। तो ये अभी हमें सोचना पड़ेगा। और आज 10 मुहर्रम है, बड़ा बहुत ही अहम दिन है मुसलमानों के लिए। हमें इमाम हुसैन की जो कुर्बानियाँ, इमाम हुसैन की जो सेक्रीफाइस है, वो याद रखनी चाहिए। और हमें हिम्मत लेनी चाहिए उससे कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, सिर्फ नाइंसाफ़ के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा ये कबूल नहीं है, ये मंजूर नहीं। उनको कोई इख्तियार नहीं चाहिए था, इंसाफ चाहिए था। इंसाफ जो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे मज़हब में, कि भाई जब तक इंसाफ नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन उससे पहले कि हम शुरू करें कुछ आज के हालात पे, उससे पहले कुछ दो चार चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर है, उनका नाम तो बहुत बड़ा है कि सुल्तान भी है, सिकंदर भी है, राजा भी है। ना वो सिकंदर है, ना राजा है, ना वो सुल्तान है, ना वो जज है, ना वो ज्यूरी है। उनको बाज आ जाना चाहिए, वो बेवकूफ़ वाली हरकतें कर रहे हैं डिस्क्वालीफाई करने के लिए। और ये नहीं चलेगी बातें। उस इडियट्स को ये नहीं पता कि जब कोई रेमिटेंस होती है किसी अकाउंट से, अगर जॉइंट अकाउंट है हस्बैंड एंड वाइफ का, तो बैंक दोनों का नाम डालेगी। मैं बैंकर रह चुका हूँ, मुझे पता है। हालांकि बीवी का कुछ ना हो हिस्सा उस अकाउंट में, एक कौड़ी नहीं डाली हो बीवी ने, लेकिन नाम दोनों का आएगा। तो वो इंडियन जो खातून, इंडियन ओरिजिन खातून, इंडियन नेशनल भी नहीं है वो। बहुत फ़र्क है, इंडिया ड्यूअल नेशनलिटी अलाउ नहीं करता जैसे पाकिस्तान अलाउ करता है। और उन्होंने कहा इंडियन से फंडिंग ली, इंडियन से फंडिंग नहीं ली, सारे पाकिस्तानियों ने फंडिंग दी। जी, किसी ने कंपनी के थ्रू दी, मैं भी शामिल हूँ उसमें। दुबई में मैं भी था जब आरिफ नकवी ने हमें जमा किया था, 50 लोगों को, बिजनेसमैन थे, बहुत सारे सीनियर प्रोफेशनल्स थे, सब ने कंट्रीब्यूट किया था। हमारा कोई ताल्लुक नहीं फॉरेन कंट्री, फॉरेन, हम तो सिर्फ एक चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे कि गुड कॉज। तो ये इनकी जो है कि ये फॉरेन फंडिंग है और ममनू फंडिंग और पता नहीं क्या अजीब अजीब रोज़ एक नई चीज़ कहते हैं, तो ये दे शुड स्टॉप। और आरिफ नकवी से बड़ा महब वतन पाकिस्तानी मुझे मिला नहीं, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैं उसको 20 साल से ज़्यादा से जानता हूँ। यानी उसने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया। आरिफ नकवी ने हर जो कदम उठाया वो पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए उठाया। आरिफ नकवी ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ कोई चीज़ नहीं की। आरिफ नकवी तो एक, वो कहते हैं विक्टिम है, ये अमेरिकन इंडियन ज्यूइश लॉबी का विक्टिम है वो। अमेरिका नहीं चाहता था कि इलेक्ट्रिक ट्रांसफर हो चाइनीज़ के, तो बस उसको बना दिया उन्होंने बकरा, जैसे आगसन आबदी को बनाया। आरिफ नकवी का कोई कसूर नहीं है, बहुत ही शरीफ ईमानदार इंसान है वो। अब वो $20 मिलियन उसने इनको भी दिए, शरीफ बरादरान को भी दिए, वो कहाँ गए? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उसका जिक्र किया, उसका कोई, उसकी कोई बात नहीं कर रहा, कहीं जिक्र नहीं है उसका। अब मुल्ला डीजल को लीबिया ने पैसे दिए, क्या हुआ उसका? किसी ने कुछ पूछा है? वो तो बल्कि बोल उसके दरवाजे पे लगा हुआ है कि ये लीबिया ने हमें पैसे दिए, वो उस पर क्यों नहीं सवाल उठता है? अब ये हमारी जो हुकूमत है उसको परेशानी है। एक तो इमरान खान की बढ़ती जो उभरती जो पॉपुलरिटी है उससे डर गया ये। अब क्या होगा? अब इनकी जो स्ट्रिंग्स है वो ऊपर पपेटियर बैठा हुआ है, उसको मैं कहूँगा बिग बी। बिग बी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन को कहते हैं, हम पाकिस्तान में, आपको पता है मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। तो बिग बी जो है वो इनको नचा रहा है, ये कठपुतलियों को, और ये कर रहे हैं जो वो चाहता है। अब बिग बी के क्या इरादे, मैं अपने दोस्त से पूछूंगा। हाँ भाई, रजा भाई बताइए क्या इरादे बीच में। अस्सलाम वालेकुम इकबाल, थैंक यू वेरी मच इकबाल। इसको ना मैं एक कॉन्टेक्स्ट में इस तरह देख रहा हूँ कि देर इज़ ए बड़ा एक क्लियर इंडिकेशन हमें मिल रही है पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हो रहे हैं पिछले 2-3 दिन में, कि एक क्रैकडाउन इनएविटेबल है। हाँ, वो नज़र आ रहा है जो कि फैसला कर लिया है जनरल बाजवा ने, कि जो हमने पहले भी बात की थी, मैंने भी कही थी कि बैटल लाइन्स आर ड्रॉन। फ़ौज में हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं एडवांस टू कॉन्टैक्ट, वो ये होती है कि फ़ौजें जो है ना वो आगे बढ़नी शुरू हो जाती हैं और दुश्मन के साथ वो कॉन्टैक्ट करती हैं। तो जनरल बाजवा और की एक साइड पे जनरल बाजवा है, ये पीडीएम की हुकूमत है लुटेरों की और कोएर्सिव पावर ऑफ द स्टेट है, तो इमरान है और द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये दो अपोजिंग फोर्सेज हैं।
जनरल बाजवा ने फैसला कर लिया है कि उसने इनएविटेबल अब कॉन्फ्रंटेशन करनी है, बिकॉज वो ये समझ मकसद रहे हैं, क्या है मैं इसको इसीलिए मैं आपको कंप्लीट कर रहा हूँ कि क्रैकडाउन उन्होंने करना है कि किसी तरीके से इमरान को वापस नहीं आने देना चाहिए, जो हम पुरानी बात तो सब हाँ जानते जी। तो वो अब जो क्रैकडाउन है ना, वी हैव टू नाउ फॉलो द इवेंट्स, वो अब क्रैकडाउन जो है उसके स्टेप्स हो रहे हैं। शहबाज गिल को पकड़ लिया, ARY को सारे कंटोनमेंट्स में से जितने हैं उधर से उसको बैन कर दिया। और जो मेरे लिए एक बहुत ही क्वेश्चनेबल है कि ये इतनी मेजर जो ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स हुई है पाकिस्तान आर्मी में, फैज़ को हटा के दूसरी कोर में दे दिया, तालिबान सवात में नजर आने शुरू हो गए हैं, सवात के अंदर नजर आने, लेकिन उसकी वजूहत है ना भाई। सो लेट मी जस्ट कंक्लूड दिस। सो ये जो आपने सारी बात की है ना फॉरेन फंडिंग की, दिस इज पार्ट ऑफ दैट सेम इनएविटेबल कॉन्फ्रंटेशन विच बाजवा हैज डिसाइडेड टू अंडरटेक कि किसी तरीके से इमरान को वापस आया जाए, चाहे झूठा चाहे सच्चा, चाहे 20 मिलियन आरिफ नकवी ने रिश्वत दी हो नवाज शरीफ को, चाहे नवाज शरीफ ने 10 मिलियन डॉलर उसामा बिन लादेन से लिए हो, चाहे मुल्ला ये डीजल ने लिबिया से फंडिंग लेके अपनी की हो, चाहे 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की हो शहबाज शरीफ ने, चाहे 32 बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की हो जरदारी ने, जिसके बाय द वे सारे केसेस की फाइल्स जो है ना वो गायब हो गए, गायब हो गए, ऑफ कोर्स वो तो होनी थी। तो दिस इज द स्टार्ट इन पाकिस्तान ऑफ एन अटेम्प्ट बाय जनरल बाजवा एंड द फोर्सेस जो उसने अपने सामने एक लेकिन सर माजरत के साथ मैं कंप्लीट कर लूं जी जल्दी से उन्होंने जो ये फोर्सेस अपने सामने मार्शल की है ना, वो एक फैसिस्ट और टोटलिटेरियन स्टेट की तरफ हमें लेके जा रही है, ठीक है ना। तो हमें बात अब ये करनी है कि ये जो इनएविटेबल कॉन्फ्रंटेशन होगी ना, इसका नतीजा क्या निकला। मैं एक लफ्ज़ कह के फिर आपके हवाले करता हूँ। अगर तो जनरल बाजवा को फौज के अंदर से किसी जर्नैल ने नहीं निकाला, और मेरा ख्याल है बहुत प्रेशर होगा, और ये जो इन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स इनिशियल की हैं ये उसी का एक हिस्सा है, अच्छे अच्छे जर्नैलों को खुटे लाइन लगाए हैं। जी जी, फैज़ की बात नहीं कर रहा, औरों की बात कर रहा हूँ। और अगर वो ना हुआ, और अगर ये इनएविटेबल कॉन्फ्रंटेशन होगी ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तानी लोग निकल आए और गोली खाने के लिए तैयार हो गए और सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हो गए, तो ये जीत फिर पाकिस्तानी अवाम की होगी। लेकिन अगर लोग नहीं निकले, गोली खाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो ये कोर्सिव पावर ऑफ स्टेट इतनी ज़्यादा है और ये इन्फ्लेशन का दबाव इतना ज़्यादा है कि ये जो पूरा इमरान ने एक बिल्ड किया हुआ है ना मोमेंटम ये बैठ जाएगा। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने क्यों याद दिलाया इमाम हुसैन की जो है एफर्ट्स जो थी, और आपको इस पर एक मुझे याद आया कि आई थिंक आइंस्टाइन ने कहा था कि अ फूल विल कीप ऑन रिपीटिंग द सेम एक्सपेरिमेंट In spite of the failures, hoping to get a new result. Only fools will do that. तो ये आर्मी वही हरकत कर रही है जो हो चुकी है हमारे माजी में, और वही मिस्टेक्स दोबारा रिपीट हो रही, और इनको याद रखना चाहिए ईरान में क्या हुआ था बिफोर प्रायर टू खोमेनी, जब शाह के खिलाफ लोग उठे तो वहाँ पर कोई भाई शाह ऑफ ईरान को सपोर्ट था, अमेरिका का, यूरोप का, सारी दुनिया का सपोर्ट था, और अरबों का भी था, सारे अरब स्टेट्स उनके सपोर्ट में। क्या हुआ जब पब्लिक उठ गई उनके खिलाफ, कोई नहीं बचा सका शाह को, ना आर्मी बचा सकी, ना उसकी पुलिस बचा सकी, कोई नहीं बचा सका। वो फाइनली ही हैड टू लीव, और क्या हुआ, कौन सी मौत मरा बेचारा जाके। सो इकबाल साहब, आपने वही बात की जो जिस पर मैंने आपको कहा था, If the people of Pakistan are willing to come out in the same manner
एज द इरानियंस डिड. इरानियंस पीसफुली निकले थे जी, जी. लेके नहीं, नहीं निकले नहीं, कोई नहीं. आपको याद है फूल लेके निकले थे जी. तो जहाँ वो उनको नजर आते थे फौजी सिपाही या पुलिस के, वो उनकी बैरल के अंदर फूल जी. लेकिन फिर भी 1,00,000 आदमी मारा गया. कंजर्वेटिव एस्टिमेट है 50,000, और जरा जो और जो कहते हैं जरा एक्सटेंडेड एस्टिमेट्स हैं वो है 1,00,000. 50,000 से 1,00,000 आदमी और ज्यादातर बच्चे और औरतें एंड यू नो ओल्ड मैन जो कि बाहर आए थे निहत्थे जी जी. जिस तरह 25 मई को पाकिस्तानी निकले, देखना ये है. और मैं कोई इस किस्म की आई एम नॉट इंस्टिगेटिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान टुवर्ड्स, नो वी डोंट नीड टू इंस्टिगेट. मैं ये कह रहा हूँ कि हिस्ट्री हमें ये बताती है कि बहुत रेयर होता है कि आपको आज़ादी जो है आराम से मिलती है. पाकिस्तान बाय द वे इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज, द रेयर एक्सेप्शन टू द रूल, जिसमें कायद आज़म ने तशरी पे आपको एक मुल्क बना के दिया कि ये मैंने आपके लिए मुल्क बनाया. वरना हर मुल्क को अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़नी और कुर्बानियाँ देनी होती है. अगर ये कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं तो हम जीत जाएंगे. अगर हम कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हैं और हम ना जो थोड़े बहुत लोग निकले मार पिटाई हुई घर चले गए, फिर निकले मार पिटाई हुई घर चले गए, बिकॉज कोर्सिव पावर ऑफ स्टेट बहुत. आप सोचें इतनी पावरफुल स्टेट है कि जनरल बाजवा पूरा कंट्रोल है इसका, सिविलियन में भी और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पे. He can do anything he wants to anybody. But that would be suicidal. नहीं, अब remember there is social media and the media, international media. अब nobody can get away with doing what you want to the people, masses. नहीं, they will get away to the extent that the people allow them to. देखिए जी, अब social media की जंग खत्म हो गई, अभी इमरान के जलसे जुलूसों की बात खत्म हो गई, अब ये इनएविटेबल क्रैकडाउन और कॉन्फ्रंटेशन का क्लैश आ गया. अब क्लैश आ रहा है, उस क्लैश में जितने मर्जी मैं ट्वीट कर दूं या जितने मर्जी मैं और आप प्रोग्राम कर दें और जितने मर्जी मैं वीलॉग कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क क्योंकि द कोर्सिव पावर ऑफ द स्टेट. जनरल बाजवा को पता है जंग जीती जाएगी ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पाकिस्तान, नॉट ऑन सोशल मीडिया. हाँ, हार्ट्स एंड माइंड्स की जंग सोशल मीडिया पे है, लेकिन पावर की जो जंग है ना, राइट्स की जो जंग है, taking Pakistan back from the hands of these looters and plunderers and a general who has committed treason against Pakistan. Bade log mujhe kehte hain ki tum fauj ko divide kar rahe ho. Maine kaha baat suno, Pakistani fauj ko taqat, general bajwa ko taqat milti kahan se hai? Ye agar IG hota ya ye federal secretary hota ya ye koi karobari hota ya koi TV anchor hota, ye kar sakta tha jo ye kar raha hai? इसको मिलती है ताकत फौज से, बिकॉज इसको पता है कि फौज का वो यूनिटी ऑफ कमांड है, मेरे खिलाफ कोई नहीं जाएगा. वो कॉलोनियल जो है ना हमारा सेटअप फौज का, उसका फायदा उठा रहा है. लेकिन एक चीज याद रखनी चाहिए टू एनी डिक्टेटर और एनी वो जुल्म करने वाला, कि एक बर्दाश्त होती है लोगों की. वो बर्दाश्त जब खत्म हो जाती है लोगों की, फिर लोग कहते हैं हमें परवाह नहीं. अब लोग जो है बाशऊर है, they are not ignorant anymore. Now people are aware कि ये लुटेरे चोर लुटेरे को हमारे सर पे इन्होंने मुसल्लत किया, ये हमें कबूल नहीं है. इन्होंने लूट के हमारा खून चूस लिया, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया. हमें ये चोर लुटेरे कबूल नहीं है, इसका चाहे बाजवा कुछ भी कह ले. इसका फैसला जो है ना वो पाकिस्तान की सड़कों पर होगा, होगा ना वो सुप्रीम कोर्ट में होगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने डिवाइड कर दिया, ना किसी कौमी इदारे में होगा, बिकॉज इलेक्शन कमीशन इनके काबू में. आप देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इमरान को डिसबैंड करें. इवेंचुअली फैसला होगा, अगर स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्वाइट रही तो बाजवा रह जाएगी, और बाजवा एक्सटेंशन भी लेगा, और ये 2 साल और भी रहेगा, और ये हुकूमत कोई इंटरिम हुकूमत चलाएगा या कोई नए भोंडे किस्म के इलेक्शन का. देखें, वो कहते हैं कि जुल्म सहने की हद जुल्म सहने की हद वो है कि जो जब तक जिसके ऊपर जुल्म हो रहा हो ना, वो कहता है जी इनफ. तो आप समझ रहे, अयूब खान ने ये नहीं सोचा था, याया ने ये नहीं सोचा था, 10 साल हुकूमत कर गए ना. ओहो, लेकिन उसके बाद जब हो गया, एक लेवल पहुंच गया, एक लिमिट खत्म हो गई, अयूब खान, जिया, याया, मुशर्रफ, इन सबको पता है कि पब्लिक जब होती है, उन सबको ना निकाला उनके जर्नैलों ने. हाँ, चारों के चारों ने.
जाहिर है। मैं ये कह रहा हूँ कि या तो जनरल बाजवा को कोई अपना जर्नैल निकालेगा, ठीक है जी, या खुदा ना खास्ता कोई जहाज ना फट जाए, या स्ट्रीट्स पे फैसला होगा कि ये द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल विन, या ये फासिस्ती टोटलिटेरियनिज्म किस्म की जो आमरियत और ये नाजी जर्मनी वाला हाल नहीं कर सकते, नहीं नहीं देखें, बट हो रहा है ना, आप देखें, ये दे आर ट्राइंग, लेकिन हुआ नहीं है। आई डोंट एग्री विद दैट कि हुआ है, नो दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, नहीं हुआ तो है, ही इज ट्राइंग, ये शबाज गिल को उठा दिया, ये 25 मई को जो हुआ, ये तो आई एम टेलिंग, अब शबाज गिल को इस्तेमाल करेंगे एज अ पॉन के 25 मई के जो हो गए गिरफ्तारियां उस पर एक्सचेंज के लिए, कि दे आर प्रीएम्प्टिंग, आई थिंक दे आर प्रीएम्प्टिंग। शबाज गिल क्या है, व्हाट इज शबाज गिल? नहीं शबाज गिल, शबाज गिल is an important personality of PTI, but जहाँ पर वो they can use जैसे अमेरिका और रशिया के दरमियान होता है कि भाई आपने पकड़ लिया, हमने इनको पकड़ लिया, देखिए वार्निंग भी होती है ना, हाँ बट वार्निंग भी होती है कि देखो शहबाज गिल को हमने पकड़ लिया, इमरान रियाज खान को पकड़ा, वार्निंग दी बाकियों को, कुछ चुप कर गए। कल मुझे एक साहब ने खबर दी कि सारे एंकर्स, सारे जो प्रो PTI हैं, वो बहुत डरे हुए हैं, ये मुझे खबर आई, हाँ तो डरे हुए हैं, तो दे आर ह्यूमन बींग्स ना, ठीक है ना, तो क्या हो गया? सो लेकिन खामोश नहीं हुआ कोई, सो लेट्स टेक दिस फॉरवर्ड। सवाल ये है कि विल द पीपल ऑफ पाकिस्तान कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स, विल दे आर दे विलिंग टू टेक, रिसेंट एग्जांपल है श्रीलंका का, नहीं मैं पाकिस्तान की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाई एक मिसाल आपके पास है भाई साहब, मैं आपके पड़ोस में ही हो चुका है कि लोग आगे सड़क पे, हजारों साल हमें हजारों मिसालें मिलेंगी। मेरे आपसे सवाल है, विल द पीपल ऑफ पाकिस्तान कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स इफ दे हैव टू टेक ऑन द स्टेट एंड द पुलिस एंड द रेंजर्स एंड इफ नीड बी द आर्मी? हैव दे नॉट डन इट इन द पास्ट? पहले क्या नहीं, नहीं माजी में नहीं हो चुका ये? मैं आपसे नहीं हो चुका, हुआ ना पहले, माजी में भी हो चुका है, उन दिनों में हुआ जब सोशल मीडिया नहीं था, वो अवेयरनेस नहीं थी। एक दफा मुझे याद है MRD की मूवमेंट थी भुट्टो के खिलाफ, ठीक है, उसमें मैं भी फौज में था बाद में, और मुझे याद है हम छुट्टी में जा रहे थे बलूचिस्तान से, तो आपको पता है छुट्टी में जो अफसर जाता है वो अपना पर्सनल वेपन कभी नहीं कैरी करता, हम यूनिट में भी नहीं कैरी करते, वो तो सब जगह एक्सरसाइज होती है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम हमें ऑर्डर्स मिले कि आप अपना पर्सनल वेपन कैरी करेंगे छुट्टी पर जाने के लिए, तो वो तो हुआ है, और तीन ब्रिगेडियर्स ने भी रिफ्यूज़ किया था। ये जब भुट्टो ने मार्शल लॉ लगाया था तीन शहरों में, आई थिंक फैसलाबाद था, लाहौर था और कराची, आई थिंक तीन शहरों में मार्शल लॉ लगाया, और तीनों ब्रिगेडियर इन शहरों में उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन ये भी मैं बताऊं, इकबाल साहब वो बड़ी डिफरेंट फौज थी, 1977 की बात कर रहा हूँ, और ये 2022 है, ठीक है ना, कितने साल हो गए, 40 साल से ज़्यादा, बहुत डिफरेंट फौज, 45 साल मैं उस फौज में था, जर्नैल बड़े हिम्मत वाले थे, बड़ी उनके अंदर स्पाइन थी, बड़ा वो डिफर भी करते थे ऑर्डर जो है सीनियर, लेकिन डिफर भी करते थे। मैंने इस वक्त जो 27 लेफ्टिनेंट जनरल, 200 से ज़्यादा या 200 के करीब मेजर जनरल, 600-650 ज़्यादा ब्रिगेडियर, आई डोंट थिंक ये इनमें से एक भी शायद ऐसा हो जो हमारे ज़माने का जनरल था या ब्रिगेडियर था। यू नो जनरल गुल हसन एज आर्मी CGS एंड आर्मी चीफ, उस सिग्नल मेस में बाकी अफसरों के साथ बैठ के नाश्ता करता था। हाँ, तो ये तो दस्तूर था ना भाई पहले, और अपनी गाड़ी में बैठ के, टू सीटर थी तो वो खुद चला गया। हाँ, ये दस्तूर था पहले, अभी हमारे हमने बहुत पैम्पर कर लिया इन लोगों को, इनका दिमाग जो है ज़्यादा ही कुछ फट गया, ज़्यादा वो फैल गया है इनकी, वो जो है मिसकंसेप्शन कि वी आर अनटचेबल, नोबडी इज़ अनटचेबल, लेट मी टेल यू दैट, वेदर इट इज़ बिग बी और स्मॉल जनरल और हुएवर इट इज़, एवरीबडी इज़ अनसरेबल एंड एवरीबडी इज़ टचेबल। सवाल आपसे, सवाल आम, सवाल का जवाब, आवाम जब उठेगी तो उठेगी, लाजमी, यू थिंक इनफ बहुत हो गया। अच्छा, मेरा ना एक खौफ है, वो खौफ ये है कि ये जो एक्शंस क्रैक डाउन कर करके और ये जितना ज़्यादा ये इमरान को ब्लैकन करते हैं, डार्कन कर रहे हैं ECP, और जितना ये एक्सटेंड कर रहे हैं ना कि ये लंबा खिंचता जाए, और इन्फ्लेशन
ठीक है, डबल 100% ज़्यादा बिल्स आने शुरू हो गए हैं, उसका इम्पैक्ट अब इंडस्ट्री पे होगा, कीमतें और बढ़ेंगी 100%। तो मेरा ख्याल है कि लोग, मेरा ख्याल है, मुझे खौफ है कि लोग कहेंगे यार बस यार यही तो होता, पाकिस्तान में ऐसे ही होता रहता है, ये होगा वो होगा कुछ नहीं। और जो मास ज़्यादा लोग चाहिए स्ट्रीट पे निकलने के, लड़ने के लिए, वो नहीं निकलेंगे, थोड़े से लोग निकलेंगे, ये झाग बैठ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी द ऑपोजिट। अच्छा, हम दोबारा डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। प्लीज स्टे विद अस, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और अभी हमारी बात हो रही थी कि भाई लोग की बर्दाश्त कहाँ तक है, लोग डर जाएंगे। मेरी नज़रों में ये नया जनरेशन है, और ये नई जनरेशन में शऊर है, बेवकूफ़ नहीं है, दे आर नॉट ईज़िली मिसलेड, और वो डर नहीं है, अब वो डर गई, ख़त्म हो गई। अब लोग बेजार हैं, महंगाई है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें हैं, सब कुछ तबाह हो चुका है मुल्क में, नौकरियां नहीं मिल रही है लोगों की, यानी वो कह रहे हैं कि भाई हम एक वक्त खाना खाएं या गाड़ी में पेट्रोल डलवाए, अब ये हाल है लोगों का। तो कैन यू इमेजिन कि किसी के साथ ये हो रहा हो, वो कितना बर्दाश्त कर सकता है, एक हद है ना, अब ख़त्म हो गई ये बात। मेरे नज़रों में लोग जो है कहे कि इनफ इज़ इनफ, वी हैव टेकन ऑल दिस नॉनसेंस, ये चोर लुटेरों को हमारे सर पे मुसल्लत किया, वी डू नॉट एक्सेप्ट देम। और उनकी ट्रैक हिस्ट्री है, हर बच्चा जानता है कि इन्होंने क्या हरकत की पाकिस्तान में, इन्होंने कितना लूटा है। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं एक हिस्ट्री में ले जाऊं, रूट कॉज। हाँ हाँ, जरूर, बिल्कुल। रूट कॉज एनालिसिस कंसल्टिंग में हम करते हैं ना, रूट कॉज एनालिसिस, और वो SWOT एनालिसिस, SWOT के बाद में पहले रूट कॉज के, जी असल जड़ जो है मसले की वो कहाँ है, करप्शन। तो मैं इसके करप्शन भी है, तो मैं इसको थोड़ा सा बैक लेके जाता हूँ। अगर मैं पाकिस्तान की तारीख देखता हूँ तो, और उसको फिर यहाँ ला के जोड़ता हूँ, तो पाकिस्तान की तारीख में तीन बहुत बड़े वाक़े हुए जिसकी वजह से हम आज यहाँ हैं। एक वाक़या कायद आज़म की मौत 48 में, और लियाकत अली ख़ान का 1951 में असैसिनेशन, ये पहला वाक़या। दूसरा वाक़या कि हमारे पास 1956 तक कोई दस्तूर नहीं था, 1947 से लेकर 1956 तक 9 साल कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, दस्तूर ही नहीं बना। सही, ठीक है जी। और तीसरा, गुलाम अहमद ने 1954 में नाजमुद्दीन की हुकूमत को जब निकाला, अयूब को बुलाया, अयूब 4 साल देखा बैठ के कि ये क्या कर रहे हो रहा है जी, उसने 58 में मार्शल लॉ लगा दिया। ये तीन चीजें जो है ना, मेरे हिसाब से पाकिस्तान के मसलों का सबसे बड़ा, बिकॉज अगर अयूब ने जब मार्शल लॉ लगाया, और मैं ये थियोरेटिकल एक बात करता हूँ, और लट से वो लगा भी लेता, लेकिन अगर हम जनरल अयूब को अकाउंटेबल ठहराते कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इलीगल था, अयूब खान को ट्राई करते, और लट से मैं थियोरेटिकली कहता हूँ, जिस तरह भुट्टो को हैंग किया, अगर अयूब खान साहब को सजाए मौत होती और उनको सजा भी दे दी जाती, तो सवाल आपसे है, तो उसके बाद आपका क्या ख्याल है, जनरल आते? नहीं नहीं, लेकिन एक चीज याद रखिए, एक चीज यू आर फॉरगेटिंग। हाँ, अयूब खान नो मैटर व्हाट ही वाज, डिक्टेटर, एवरीथिंग, अभी बात नहीं कर रहा। नहीं नहीं, व्हाट आई एम टेलिंग यू, व्हाई पीपल फॉरगिव हिम, बिकॉज़ ही डिड लॉट ऑफ गुड थिंग्स। मैं आपसे एक थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं, आई एग्री विद यू, अगर अयूब खान को फांसी दी जाती फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन and doing an illegal act, do you think after that nobody would have died? I agree. अच्छा, अब इसको यहां रोक लेते हैं, चूंकि अकाउंटेबल नहीं किया, दूसरा भी आया, या उसने तो अयूब खान का अपना बनाया हुआ जो, तो अयूब खान ने उसको हैंडओवर कर दिया, अयूब खान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन 62 में जो उसने बनाया, जिसके बाद ये था कि अगर प्रेसिडेंट फॉर एनी रीजन रिजाइन करता है तो पावर जाती है स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली अब्दुल जब्बार खान, उन्होंने उठा के याया कुदी जिया आया जन्म शरफ आए, ठीक है। अब ये साहब मार्शल लॉ नहीं लगा, लेकिन ऑल इन नेम नहीं है, बल्कि मार्शल है। तो सबसे तो पहले ये है कि अब ये वक्त आ गया है, चूंकि मैंने हिस्ट्री का ये बताया है कि नाउ इज द टाइम वी हैव टू मेक एनी वन हु हैज वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन
अकाउंटेबल फॉर दिस। अगर क्लॉज सिक्स, अगर हमने अयूब खान के खिलाफ आर्टिकल सिक्स नहीं लगाया, आर्टिकल सिक्स जब भी मौका मिले ना, मैं आपको बता रहा हूँ ये ड्रामा म्यूजिकल चेयर चलता रहेगा। लेकिन आई डिफर, एक मुझे कंप्लीट करने दे। ये आर्टिकल सिक्स अगर नहीं लगा ना जनरल बाजवा के खिलाफ फॉर कमिटिंग ट्रीजन, ये ड्रामा चलता जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको पता है इंडिया और हमारे में बहुत बड़ा फर्क है, और इस पर लोग मेरे पर बड़ा क्रिटिसाइज करेंगे, मुझे पता है कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है। इंडिया में 1948 नेहरू बहुत होशियार था, उसको पता था फौज बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, जिस तरह हमारी थी। उसको भी पता था प्रिटोरियंस बैठे हुए हैं, इनको मौका मिला ये शायद मार्शल लॉ लगा रहे हैं। उसने आपको पता है 1948 उनका कॉन्स्टिट्यूशन एक साल में आ गया। एवरी मिलिट्री पर्सन हैज द राइट टू गो टू ए सिविलियन कोर्ट टू फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस अपने, अगर उनके खिलाफ कोई ऐसी वो समझते कि मेरे से नाइंसाफी हुई, फौज के अंदर जी वो कोर्ट में जा सकते हैं। उसकी वजह से उनका नायक भी जाता है, सिपाही भी जाता है, जनरल भी जाता है। उनका प्रीवियस आर्मी चीफ जी गया जी, वो अपने एज के लिए कि जी मेरी एज छह महीना कम थी तो मुझे छह महीने बाद। कोर्ट ने एक हेयरिंग की, एक सवाल पूछा उनके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कि जब आप लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हुए थे वो इस एज में हुए थे या जो आप अभी बता रहे हैं? कहते नहीं जी पुरानी वाली। उनका देन यू स्टैंड रिटायर्ड एट दिस एज। पाकिस्तान में फौज के अंदर भी इतनी फैसिज्म है कि किसी अफसर को, सिपाही को, जेसीओ को रिकोर्स नहीं है सिविलियन कोर्ट का। ये आर्टिकल 25 आपके कॉन्स्टिट्यूशन की नफी है। आप अपने मुल्क के 7-8 लाख, 10 लाख अफसरों को महरूम नहीं कर सकते फॉर रिकोर्स टू सिविलियन कोर्ट। मैं कहता हूँ ये आप ले आएं, कल को अगर कोई गलत आदमी करेगा, गलत प्रमोशन होगी, वो जाएगा। लोग कहते हैं जी ये नाउ लेट्स कम बैक, हाउ डू वी डू इट? अच्छा, हाउ यू आर सेइंग ले आया, लाइक कैस हाउ? एक पॉसिबिलिटी ये है कि इमरान खान को मोर देन 2/3 मेजोरिटी मिले, ही इज एबल टू चेंज ऑल द लॉज रिगार्डिंग आर्मी अपॉइंटमेंट, प्रमोशंस, जुडिशरी, एवरीथिंग, टोटल रिफॉर्म। वन मोर थिंग वी हैव टू रिमेम्बर, एक मैं मिसाल देता हूँ, अब पंजाब में जो इलेक्शंस हुए, बाय इलेक्शन जो हुए उसमें रिगिंग नहीं हुई, हुई है रिगिंग, एवरीबडी नोज, दे ट्राइड इड़ी चोटी का जोर लगा लिया, स्टिल इमरान खान 10 की जगह 15 सीट्स जीत ली, करेक्ट जी। सो द स्ट्रगल ऑफ द पीपल मेक्स अ डिफरेंस। मैंने वही कहा कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, बट दे नो दे हैव लर्न द लेसन, कि दे ट्राइड देयर लेवल, हर किस्म की रिगिंग की वहां पर पंजाब में, 15 सीट फिर भी ले गया ना जीत के, 16 होती अगर और थोड़ी वो रिगिंग सक्सेसफुल नहीं होती, एक में सक्सेसफुल ही रिगिंग जहां पर, लेकिन 15 सीटें जीत के ले गया, करेक्ट करेक्ट। सवाल पूछ, नहीं नहीं लेट मी फिनिश। अब दूसरी चीज के हमारे जो ये सर पे बिठाया इन्होंने मुसलत किए हुए लूटर और प्लंडरर्स, ये आप समझते कि पब्लिक विल कंटिन्यू टू टॉलरेट देम? नो साहब, ये मैं आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा इसमें कहूँगा, ये जो है ना दीज आर ये हम कह सकते हैं और ये बातें भी कर सकते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। सबको पता है कि द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानीज आर अगेंस्ट देम, बट द पावर स्टिल वेस्ट विद जनरल बाजवा एंड द पपेटियर। तो ये पावर वहां से कैसे आएगी? या तो आप लड़ झगड़ के लें, या इनको कोई निकाले और सुप्रीम कोर्ट कोई इमरजेंसी टाइप डिक्लेयर करे और कहे कि जी हालात बहुत खराब हो रहे हैं, हम कहते हैं कि जी इलेक्शन हो। इलेक्शन से अलावा तो कोई हल ही नहीं है जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। मेरे नजर में मुझे नहीं लगता कि जनरल बाजवा का कोई इरादा है नवंबर में जाने का, खुदा की कसम, अल्लाह मेरे मुंह में खाक कि मेरे मुंह से ऐसे बात निकले। I don't see that guy going. इरादा नहीं है, इरादा नहीं है, नहीं है, this is obvious, obvious है, इरादा नहीं है। तो आपका क्या, power has gone to his head, power has gone to his head। और वो भी बात है कि या तो वो मुल्क से अगर गए तो मुल्क से बाहर रहना पड़ेगा, वो इस मुल्क में रह नहीं सकते। इधर आप जाके देखें ना पिंडी में ये पुराने तो सारे जनरल के है ना भाई, बनाए हुए उन्होंने अपने ग्रीन कार्ड। ये जनरल जब CMH जाते हैं ना रिटायर होने के बाद, इसको नर्सिंग ऑर्डली भी नहीं सलूट करता, करेक्ट, ये यूनिफॉर्म उतारती है ना तो खत्म। तो ये फिरौनियत जो जनरल बाजवा में है कि मेरे पीछे पूरी फौज है जो कि है, और ये यूनिटी ऑफ कमांड का है ना, मैं उसके ऊपर आज बात करना चाहता हूँ।
ये यूनिटी ऑफ कमांड का जो भाव है ना, ये आज हमने क्या भाव है, फौज के खिलाफ कुछ ना कहो, अगर फौज टूट गई पाकिस्तान टूट जाएगा, ये हम बचपन से हमारी प्रमोट किया ना उन्होंने, ये आपके ISPR ने ये प्रमोट किया है, और ये नैरेटिव प्रमोट किया गया है। और अब ये है कि जी एक वाहिद इंस्टीट्यूशन आपका रह गया, अगर आपने उसमें दराड़ें डाली तो पाकिस्तान की सालमियत खतरे में पड़ जाएगी। भाईजान, पाकिस्तान की सालमियत इससे नहीं पड़ेगी कि ये फौज कमज़ोर हुई, पाकिस्तान की सालमियत कमज़ोर हुई है बिकॉज हमारी मईशत कमज़ोर हुई है, हमारे ऊपर लूटर और प्लंडर आए हैं, उन्होंने हमारा लूटा है, हमारे लोगों के हकूक ख़त्म हुए हैं। एक इदारा 1947 से लेकर 2022 तक देख लें, फौज सबसे ताकतवर, सबसे प्रिविलेज, सबसे ज़बरदस्त, उसके स्कूल सबसे अच्छे, उसके अस्पताल सबसे अच्छे, उसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस सबसे अच्छे हैं, बाकी पब्लिक का क्या, उनके दफ्तर सबसे अच्छे, बाकी अवाम के पास क्या है, और पूरा मुल्क गरीब। तो वो लोग कहते हैं आप फौज के खिलाफ इंस्टिगेट कर रहे हैं, मैंने कहा नहीं यार, ये हमें एक कड़वी बात हमने आज फैसला करके सामने लेके आनी है कि पाकिस्तान आर्मी काम करना है। दिस आर्मी इज अ नेशनल आर्मी, इट वर्क्स फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इट डज नॉट वर्क फॉर वन इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल का ये कर दो तो वो कर दो, ये कर दो तो वो कर दो, वो मिसयूज करे, वो अब्यूज करे इस पावर को, वो इस पावर से पूरे मुल्क के फ्यूचर को दाव पे लगा दे, और आप कहें जी यूनिटी ऑफ कमांड वो गैर ज़बान, ये मजाक है। देखिए यूनिटी ऑफ कमांड का फायदा क्या है जंग में, कि हुक्म मिले, तामील करें, वो सिचुएशन, वॉर सिचुएशन इज डिफरेंट थिंग। वो कहते हैं जी, तो मैं कहता हूं बिल्कुल होनी चाहिए यूनिटी ऑफ कमांड, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ पाकिस्तान। आप पाकिस्तान को दाव पे लगा दें कि जी हमारी यूनिटी ऑफ कमांड को ना छेड़ो, और मुल्क लुटा जा रहा है, लोगों को कुचल दो और यूनिटी ऑफ कमांड रहे, यूनिटी ऑफ कमांड रहे, और फौज जो है एक दुल्हन घूंघट लेके, देखे ना लोग बोलते हैं, लोग बोलते हैं ना, लोग बात करते हैं फौज के खिलाफ करने रहे बात, सर ये खत्म कर दे, फौज एक दुल्हन घूंघट लेके माइयों बैठी हुई है चुप करके, और उसका जो सिपा सलार है वो मुल्क की ऐसी की तैसी कर रहा है, ऐसे यूनिटी ऑफ कमांड से हमें कोई नहीं चाहिए। नहीं होता, लेकिन भाई अब आज ये ज़माना जो है, अब क्यों इनको तकलीफ हो रही कि सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ बातें हो रही है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, पीपल आर टॉकिंग अगेंस्ट दैट, नाउ दे आर सेइंग कि भाई फौज के खिलाफ साजिश एंड ऑल दिस नॉनसेंस, सब जानते कोई साजिश किसी ने नहीं की, हर पाकिस्तानी मुहिब वतन है, हर पाकिस्तानी चाहता है कि वो पाकिस्तान हमारा बेहतर हो, कोई खिलाफ नहीं है फौज के, आम फौज जो फौजी है सब उसकी इज्जत करते, लेकिन वो नहीं चाहते कि ये इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन हो, एक आदमी जो है पपेटियर बिग बी वो सबको नचाए और हमारे मुल्क के ऊपर इनको मुसलत करे और हम सबका बेड़ा गर्क करें, नहीं ये नहीं चाहते लोग, बोले क्या इनफ इज इनफ। देखिए आपने एक बात पहले कही थी ना कि एक रिफॉर्म क्या आना चाहिए, हमारे पास दो बड़े बहुत बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है फौज में, और वाकई आप सही कह रहे हैं, वो इमरान जैसा ही आदमी कर सकता है, नवाज शरीफ के पास सरदारी, ये तो माफिया है, ये तो सियासतदान भी नहीं है। वो रिफॉर्म क्या है कि जो प्रमोशन, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स, ब्रिगेडियर टू लेफ्टिनेंट, मेजर जनरल टू मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल, ये पावर एक आदमी के हाथ में, आर्मी चीफ, हालांकि टोकन के तौर पर वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है जो साइन करता है, लेकिन ये बाकी सारी पावर इस आदमी के पास है। कोई ब्रिगेडियर क्यों नहीं करता कि मेरी जो है ना मेजर जनरल ही चली जाएगी, मेजर जनरल ही। अब वो बात करूँ, अगर दिस गाइज हैड रिकोर्स टू द कोर्ट ऑफ लॉ, हाँ, और एक ब्रिगेडियर कहता है जी मैं गलत, मुझे पास ओवर किया है, मेरे तो कोर्स भी अच्छे हैं, मेरी ACRs भी अच्छी है, मेरा सब कुछ अच्छा है, ये दूसरे बंदे को क्यों प्रमोट किया इस तरह। लोग कहते हैं जी हैदर मेहदी तू ये सिविलियन कोर्ट एनार्की फैलाएगा, हाँ। मैंने कहा इंडियन आर्मी में सिविलियन कोर्ट एनार्की है नहीं है। लेकिन उधर जर्नैल मार्शल लॉ नहीं लगाएगा, उसको पता है कि मेरा कोर कमांडर मेरे खिलाफ चला जाएगा उसका, तो वो सो वी हैव टू क्रिएट ए बॉडी वेयर बाय दिस प्रमोशन, ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग आर पार्ट ऑफ ए कमेटी। ये मैं तीसरी दफा कह रहा हूँ। कैन वी कम बैक टू अनदर टॉपिक, इकबाल साहब इसको कंप्लीट कर दो, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस,
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, अ न्यू पोस्ट ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अगले प्रोग्राम में उसकी बात करूँगा, तीनों आर्मी चीफ्स। मेरा ख्याल है कि हमारा जो न्यूक्लियर है वो भी एक 4-स्टार कमांड होनी चाहिए, हमारी जितनी सिविल आर्म फोर्सेज जिसको रेंजर्स, रेंजर्स, स्काउट्स, एफसी, ये भी एक यूनिफाइड कमांड, और इस ये भी 4-स्टार होनी चाहिए। हमारी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं सिविलियन एंड मिलिट्री, ये भी एक यूनिफाइड कमांड होनी चाहिए, उसका हेड ऑफ इंटेलिजेंस वो भी 4-स्टार हो, और वो मुख्तलिफ लोगों को रिपोर्ट करें, वो आर्मी चीफ को ना करें, आर्म फोर्सेज का जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेज है न्यूक्लियर वो CDS को रिपोर्ट करें, जो आपकी सिविल आर्म फोर्सेज हैं वो इंटीरियर को रिपोर्ट करें, जो आपकी हेड ऑफ इंटेलिजेंस है वो रिपोर्ट करें डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर, कि ये जो आर्मी चीफ के पास चौधराहट है ना हर चीज के ऊपर, टोटली टोटल पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी, और जितने आपकी फौजी फाउंडेशन और ये सिविलियन इदारे इनके पास बिजनेस हैं, दे शुड ऑल मूव फ्रॉम अंडर द आर्मी टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तब जाके एक इक्विटी आएगी, और ये 8-10 साल लगेंगे इस जिन को काबू करने में, ओवरनाइट, कोई ओवरनाइट नहीं, मैजिक, यू वांटेड टू मूव टू अनदर, नहीं भाई, ये स्वात में जो हुआ है, जी जी जी, इज इट अ डाइवर्शनरी टैक्टिक बाय द आर्मी की अपनी, या आई डोंट नो, क्योंकि वो इज इट बिकॉज मे बी, और एक वजह हो सकती कि अफगानिस्तान में उन पे अटैक्स हो रहे हैं, अब दे आर बीइंग किल्ड, like अब हाँ, कल भी हुआ वो, अच्छा चलिए इसको थोड़ा वो आपके वो आपको पता है ना कि पिछले 3 महीने से तालिबान से नेगोशिएशंस चल रही हैं हमारी TTP से 3 months after they removed Imran, not before, शायद उससे पहले नहीं, उससे पहले भी थी तो, but Imran was not in favor of this kind of negotiation that I know, अब वो चल रही है negotiation, अब वो क्या negotiation थी हमें नहीं पता, वो मांग रहे थे कुछ बंदे उनके रिलीज करो गुड फेथ, तरीके तालिबान पाकिस्तान हैज नेवर बीन ऑनेस्ट अबाउट नेगोशिएटिंग विद द पाकिस्तान आर्मी, नियत नहीं है उनकी, वो उन जब पहले भी करते थे 3-4 कोर कमांडर से उन्होंने की, वो सिर्फ उन्होंने टाइम बाय किया था रीग्रुप करने के लिए, उसके बाद वो अटैक जी दोबारा जी, मैं जब इस तरह हुई मैंने कहा कोई उनकी नियत नहीं है, अगर जनरल बाजवा साहब के जहन में कोई ऐसी कोई एक चाल है कि जी वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को डिसार्म करवाएंगे फलाना, वो बहुत बड़ी गलतफहमी उनकी है, ये कभी भी ऐसे नहीं करेंगे, ये अपने लोग निकलवाएंगे छुड़वाएंगे उसके बाद ये वापस अपनी वही हरकतें करेंगे, दहशतगर्दी पे शुरू ठीक है दोबारा, तो एक तो ये हिस्ट्री आप देखें। अब कल खबरें आई हैं कि स्वात के अंदर आपको तालिबान ओपनली गश्त करते हुए नजर आए हैं, अब ये क्यों आए हैं और इनको किसने इजाज़त दी, एक पुराने प्लान था कि स्वात एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर होगा, उसके अंदर एक यूनिट होगी, 2 यूनिट एक मलाकंड में होगी बटालियन, एक यहाँ होगी एक आगे होगी, कि यहाँ वो ना आ सके, वो नहीं हुआ, यहाँ सिर्फ FC है इस वक्त, तो देव ओपन रन ऑफ द प्लेस। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जी ये डाइवर्जनरी टैक्टिक है बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर है नॉट गवर्नमेंट बाय बिग बी बाय जनरल बाजवा, तो मैं नहीं समझता, क्योंकि मैं जनरल बाजवा को बहुत बुरा ज़रूर कहूँगा, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि वो इतनी बड़ी पाकिस्तान के साथ इतनी बड़ा जुल्म करेंगे कि उन्होंने तालिबान को इधर लाए और अपने लिए, अगर है तो देन देर इज़ नॉट इवन ए बिगर ट्रेटर देन हिम, अगर उन्होंने की, क्योंकि मेरा ख्याल है नहीं, मेरा ख्याल है कि हम कमज़ोर हो गए, वहाँ के जो इंटेलिजेंस, हमारा फोकस हट गया, हमारा फोकस हट गया रिजीम चेंज पे, ये सारा इंटेलिजेंस भी सब उधर चली गई, सारी चीजें उधर चली गई, फोकस वो अंदर घुस गए, वो अंदर से घुस गए, दिस इज पॉसिबल बट दिस इज वेरी सीरियस, हाँ इट इज एक्सट्रीमली सीरियस, वेरी वेरी सीरियस। चलिए ऐसे भी वक्त खत्म हो रहा है, वी हैव टू कंक्लूड, तो इंशाल्लाह नाजरीन दोबारा हाजिर हो गए विद episode 4 एनालिसिस का, शुक्रिया आपका फॉर टॉलरेटिंग अस, सलाम अलैकुम।